हाय एवरीवन, आज हम दही बड़ा की रेसिपी लेके जो बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब बना है, जो मुंह में देते ही घुल जाए। मैं दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे, इसी तरह से आपकी दही बड़ा सॉफ्ट बनेंगी। रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिएगा, कोई भी टाइम बना के खा सकते हैं। गर्मी का टाइम है, चटपटा खाने का बहुत ही मन करता है, तो इस तरह से आप दही बड़ा बना के खा सकते हैं। तो अब चलिए देर किस बात की, दही बल्ला को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी उड़द दाल लेके रात भर भिगो के रख दिए थे। देखिए दाल हमारी सॉफ्ट हो गई है। एक मिक्सर जार ले लिया है, मिक्सर जार के अंदर दाल को ले लेंगे, जैसे पानी निकाल के ले लेंगे। अब हम 2 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब हम पीस लेंगे, दाल को पीस लिया है, देखिए एकदम महीन पीसा है। दूसरा बाउल में निकाल लेंगे, बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटेंगे अच्छी तरह से। जब तक आप अच्छी तरह से फेंटेंगे नहीं, तब तक आपकी बड़ा सॉफ्ट नहीं बनेंगे। कम से कम 2-3 मिनट इसी तरह से फेंटेंगे। इसी तरह से 2-3 मिनट फेंट के ले लिया है। एक कटोरी में पानी ले लिया है, थोड़ी सी बैटर हम डाल के देखेंगे। देखिए पानी में तैरने लगा है। अब बैटर हमारी बिल्कुल परफेक्ट है बनाने के लिए। अब गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म है। ऑयल को एक साथ ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म करना है। अब इस तरह से ले लेंगे और थोड़े थोड़े करके डाल देंगे। देखिए ऑयल हमारी किस तरह से गर्म है। ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो जल जाएंगे, दर तक कच्चे रह जाएंगे। डाल दिया है, अब हम पलट लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही रखना है। मीडियम पलट लिया है, इसी तरह से अलट पलट के सेक लेंगे। बोड़ा बनाना बहुत ही आसान है, देखिए कैसे फूल रही हैं। इस गर्मी में जब भी आपका दही बोड़ा खाने का मन करे तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप इफ्तार में ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए बोड़ा हमारी सीख गई है, इससे डार्क हमें नहीं करना है। अब हम निकाल लेंगे। ये मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। सभी बोड़ा को हम इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। देखिए सभी बोड़ा को बना लिया है, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। इधर बाउल में पानी ले लिया है, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हींग और हरा धनिया डाल के रख दिया है। नॉर्मल पानी है, अब पानी के अंदर डाल देंगे। अब इसको कवर करके 20 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद मिलते हैं। अब चलिए बोड़ा को चेक करते हैं। देखिए फूल के कितनी बड़ी हो गई हैं, कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसको साइड में रख लेंगे। इधर दही ले लिया है, दही को फेंट के ले लिया है। जब भी बोड़ा के लिए दही ले तो फेंट के ही ले। बोड़ा है, इसमें से पानी हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो पानी निकाल के इस दही के अंदर डाल देंगे। ये डाल दिया है, अब इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई करिएगा। स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, ऊपर से थोड़ी सी काला नमक डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी भुना जीरा पाउडर, जीरा पाउडर ऑप्शनल है, ज़रूर डालिए। आप चाहे तो इस तरह से खा सकते हैं। आपको और ज़्यादा चटपटा चाहिए तो ऊपर से थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल देंगे और हरा धनिया की चटनी। ये बहुत ही चटपटी बनती है गर्मी में। भल्ले तो बहुत ही पसंद आते हैं सबको, ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए दही बड़ा हमारा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। देखिए दही बड़ा हमारी रेडी है खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब बना है। मैं एक निकाल के आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बनी है, देखिए मुंह में देते ही घुल जाए। उम्मीद करती हूँ आपकी ये दही बड़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पे मिलते हैं, बाय।